टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम वली कब्रस्तान में मिट्टी की भरनी की जा रही है। इसको लेकर एमआईएम पार्टी के जावेद सिद्दीकी ने बताया है कि इसमें आमदार की निधि से मिट्टी की भरनी नहीं हो रही है। जावेद सिद्दीकी ने कहा है कि आखिर ये किसकी निधि से काम हो रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में जो हमने सैयद अली अशरफ भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई संस्थाओं की मांग थी, जो लेटर भी उन्होंने दिया था, और खुद शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने कब्रिस्तान में मिट्टी की भरने की मांग की थी, जो बहुत ज़रूरी भी था। इसलिए मिट्टी की भरनी एमएमवली कब्रिस्तान में की जा रही है और सच्चाई भी यही है कि काम हो रहा है जो होना चाहिए, और काम के लिए निधि संबंधित जो भी कागजी प्रोसेस है वो भी जारी है। बहरहाल ये तमाम आरोप एमआईएम पार्टी के जावेद सिद्दीकी ने लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, काफी दिनों से मुमरा शहर में कब्रिस्तान में जो राजनीतिक न खेली जाए ऐसी हवा चल रही थी, कोई बात नहीं है, सारे लोग उस बात पे अमल किया, लेकिन आज हम उस बात को आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले मुमरा शहर के सत्ताधारी के एक लीडर और संस्थाओं ने उनका सत्कार किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे सैयद अली भाई साहब के कयादत में और सैयद अली भाई साहब के कहने पर 50 लाख रुपया ये जो है हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब आमदार की निधि है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूज चैनल कह रही है। उस बात को मैं अभी खुलासा कर रहा हूँ कि आज सच है क्या गलत है। इसी तरह एक न्यूज के माध्यम से उन्होंने कहा था कि मिट्टी डालने के टाइम कब्रिस्तान में एमआईएम के कुछ लोगों ने वहाँ पे लाइव चलाया, हमने जाके टीएमसी के अधिकारी से पूछा तो ये निधि किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये निधि जो है माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब की। मैं नहीं कहता हूँ, न्यूज में स्पष्ट है। आइए अब उस चीज को मैं मुमरा शहर की भोली भाली जनता को बताना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि 27 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र शासन जिला नियोजन समिति ठाणे, जो कि आमदार और खासदार का निधि ये लोग देते हैं, टीएमसी नहीं देती इनको, टीएमसी सिर्फ महाराष्ट्र शासन एक्ट 73 के अंतर्गत जो निधि देती है वो कब्रिस्तान में पहले दे चुकी है, उसका भी भ्रष्टाचार हुआ मट्टी में, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जब एक न्यूज वाला चैनल के माध्यम से कहता है कि ये हमने स्पष्ट किया है कि ये पैसा आमदार का है, तो आइए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूं। देखिए, इसमें जिला नियोजन समिति ने कहा है कि एक आमदार को 25 लाख के ऊपर निधि नहीं मिलती है एक बार में। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये 2022 में जो 50 लाख की निधि आप लोग कहते हैं हमने मंजूर नहीं किया है। तो मेरा टिप्पणी यही है कि ये निधि है किसकी, कब्रिस्तान के साथ ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं और जो जनता को गुमराह किया जा रहा है उसके बारे में मैं खुलासा कर रहा हूं कि ये किसका निधि है, जब आमदार का निधि नहीं है, थाने महानगर पालिका तो दी नहीं है, तो ये है निधि किसके, तो इसके ऊपर भी खेल हुआ है कि ये टेंडर कब हुआ है, ये जो मिट्टी आ रही है कौन से कॉन्ट्रेक्टर को दिया गया है, वो भी हमारे पास सब है, वक्त आएगा तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडरान है, जो सत्ताधारी के हैं, वो लोग जो है ऐसी बात करते हैं, तो उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये लोग जो है सिर्फ अपनी पार्टी चलाने के लिए ये जो गलत बातें कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं मुमरा में हैं जो एनसीपी के फोटो लगा के चल रहे हैं, उनकी संस्था भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी संस्था भी
झूठे अफवाहें झूठे संस्थाओं के आधार पे एनसीपी का कारनामा बताते हैं, इनकी वजह से हमारा शहर दलदल में डूबता जा रहा है।